नमस्कार मित्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर जोन में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी आशुलिप उच्च गति अभ्यास खंड एक, डिक्टेशन नंबर 36, गति 100 शब्द प्रति मिनट। सेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकेंड। स्टार्ट। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूँ कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयां सरकार के समक्ष हैं, उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। मैं यह जानता हूँ कि बहुत से लोग, जिनमें हमारे कुछ साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। वास्तव में यह सरकार, जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, और जैसा कि हमारे एक साथी कह रहे थे, जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है, वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से, कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचा पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है, उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर से कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों को कमेंट में दें। नए डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल एसएससी स्टेनोग्राफर जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। नई जानकारी और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।